फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स लाई हूँ और जो कि आपके डेली रूटीन में काम आने वाले हैं, जिससे कि हमारे काम आराम से हो जाए और हमें टाइम भी नहीं लगे। बहुत ही यूजफुल है, आप ज़रूर देखें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। टिप नंबर वन में हमें क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगी। तो हमें क्या करना है, हरी मिर्च हम लेके आते हैं, कभी बहुत है कि ज़्यादा भी ले आते हैं तो क्या होता है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हरी मिर्च को अच्छे से साफ़ कर लेना है और उसको अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक एयर टाइट बॉक्स लेना है, उसके अंदर हम ये जो टिश्यू पेपर होता है वो रख देंगे और जो हरी मिर्च है उसकी जो डंठल होती है ये पीछे का साइड का, इसको हमें तोड़ देना है इस तरह से तोड़ के, और फिर हमें इसको बॉक्स के अंदर रखना है। इससे क्या होगा कि हमारा जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको आराम से इजीली लेके और यूज कर सकते हैं। और इससे दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इस तरह से एयर टाइट में करके रख देंगे तो आपकी जो हरी मिर्च है वो 15-20 दिन महीने तक आराम से चल जाती हैं। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें भी आप इसको इस तरह से रख सकते हैं, तो बार बार आपको लाने का भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके लिए है और तो आप देख सकते हैं मैंने सभी तोड़ लिया है। अब मैं इसको बॉक्स के अंदर भर दूंगी और इस तरह से, इसी तरह से हम सारी मिर्चियों को तोड़ लिए हैं आप देख सकते हैं। और तोड़ने के बाद हमने ऊपर से भी ये इस तरह से रख दिया है ताकि अच्छा रहेगा। और उसके बाद हम बॉक्स को बंद कर देंगे और फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे। और अब आता है टिप नंबर टू। टिप नंबर टू में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि अगर जब भी हमें ये है सौंफ, और सौंफ को हमें बहुत सारी सब्जियों में यूज करना होता है तो हम खड़े यूज करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है, मुंह में भी आता है। तो हमें क्या करना है कि हमें सौंफ को लेना है जार में और उसको हमको हल्का सा ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे और उसको फिर हमें एक बॉक्स में भर के रख देना है। इस तरह से हमें ग्राइंड कर लेना, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम इसको बहुत सारी सब्जियों में, जैसे कि हम पोहा में भी तड़के में यूज कर सकते हैं और फिर हम इसको करेले की सब्जी के लिए भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी सब्जियों में हम यूज कर सकते हैं। तो ये ईजी हो जाएगा हमारे लिए। टिप नंबर थ्री है। टिप नंबर थ्री में मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। तो ये हमने लिए हैं टोमेटोज़। टोमेटोज़ को भी हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से धो के साफ़ करके और इसको सुखा लेना है। और फिर हमको एक कुकर लेना है और उसके अंदर हमें क्या करना है, एक सीटी लगा लेना है। तो इस तरह से हमने लगा लिया है और इसको छिलके उतार के और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करके और उसको हम रख लेंगे प्यूरी बना के। तो जब भी हम कोई सब्जी बनाएं तो हम उसको प्यूरी को यूज कर सकते हैं। तो इससे भी हमारा बहुत इजी हो जाता है काम। तो ये भी टिप आप फॉलो कर सकते हैं। टिप नंबर फोर में मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। टिप नंबर फोर ये है कि हम कभी भी अगर पालक को अगर बॉईल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें 1 स्पून जो है 1 स्पून शुगर हम ऐड कर देंगे तो जो हमारा पालक का कलर है वो ग्रीन रहेगा, चेंज नहीं होगा। टिप नंबर फाइव में मैं आपको बताऊंगी कि कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे लेमन लेके आते हैं तो ऐसे हम फ्रिज में अगर आप रख भी देंगे तो भी आपके लेमन ख़राब हो जाते हैं, उस पर दाग धब्बे हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर लेमन को स्टोर करने के लिए एक एयर टाइट बॉक्स लेना है और उसके अंदर हम लेमन को रख देंगे भर के और फिर डब्बे को बंद कर देंगे तो, और फिर फ्रिज में रखेंगे तो आप 20-30 महीने तक आप इस लेमन को यूज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे ये बताए गए टिप्स, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आपके काम भी आएंगे। तो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए नए टिप्स देखने के लिए और न्यू न्यू रेसिपी के लिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, स्टे होम स्टे।